Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are fine. And you know very well, we have started the process of aerobic respiration. And in the last lecture, we discussed about the very first phase of respiration that is common in aerobic respiration and in anaerobic respiration, that is glycolysis. This particular, activity and the activities followed by this will be discussed on the whiteboard in detail. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear doctors, hum baat ko isse start karte hain ki we have studied up to this topic ki ye tha mere paas ek glucose aur is glucose ko humne convert kiya tha two molecules mein. One of them was what? DAP, and other was G3P, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. और मैंने आपको ये बात बताई थी dear students कि ये दोनों चीजें आपस में interconvertible, यानी कि मैं DAP को G3P में और G3P को DAP में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस DAP कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू G3P. इट मींस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गिव मी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट G3P. यूजुअली इट गिव्स मी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट G3P. अभी जो मेरे पास G3P है, ये सीरीज ऑफ स्टेप में से गुजरने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया था? डेफिनेटली इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, राइट? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में कन्वर्ट हो. और आपको याद है स्टूडेंट्स कि इस पहले वाली फेज में, वी हैव इन्वेस्टेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. चूंकि हमसे लॉस हुए हैं तो हम इस पर्टिकुलर फेज के साथ माइनस टू एटीपी के मॉलिक्यूल लिखते हैं. और इस पर्टिकुलर फेज में हम लोगों ने क्या गेन किए थे? फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, फोर प्लस फोर, ये हमने गेन किए. और अगर हम नेक्स्ट फेज में आप लोगों के लिए बात करें इसकी नेट गेन की, तो फिर नेट गेन of ATP during glycolysis was what? 4 ATP minus 2 invested ATPs, and of the product was 2 ATP molecules. तो इस तरीके से मुझे glycolysis के result में क्या चीज मिली? Definitely you are perfect के 2 molecules of pyruvate मुझे KGs मिली थी students, this one, और फिर मुझे मिली 2 molecules of what? ATP, राइट? दूसरी चीज मेरे पास ये मिली. फिर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक NADH भी मिला. तो ये तीन चीजें गेन थी किस चीज का? ग्लाइकोलाइसिस. अब हमने करना क्या है? हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को आगे लेके चलना है, बिकॉज हम स्टडी करते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन. और मैंने आपको बताया है इन दो पाइरूवेट्स को लेके जाएंगे कहाँ? इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेरे पास दो मेम्ब्रेन्स, एक आउटर, जाहिर है हम इसी का नाम देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट? और उसके बाद एक मेम्ब्रेन इसके अंदर भी. इट इज, यू नो वेरी वेल कि इट इज loosely packed or it is very much folded. So बहुत ज़्यादा folds हैं, right? और ये जो folds हैं, आपने chapter number 4 में पढ़ा था कि हम ये नाम देते हैं what? Cristae. इंडियन के नाम देते हैं Cristae. एक space यहाँ है, it is called as intermembranous space. Intermembranous space. और
एक कैविटी इसके बिल्कुल अंदर है, समवेयर हियर, और इस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्पेस, कैविटी, राइट। अब जब मैं इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाऊंगा, इनसाइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो यहां जाके रुक जाएगा, राइट। और इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या रिएक्शन होगा, समझे, कुछ ऐसे होगा, उसको यहां लिखते हैं यहां, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, ये मेरे पास एक C3H4O3 है, दैट इज बेसिकली अ पाइरूवेट, और इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को मैं दो एक्टिविटीज से पहले गुजारूंगा, एंड द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा CO2, और जब मैं किसी चीज में से CO2 को माइनस करता हूं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। प्लस सेकेंड एक्टिविटी ये हो रही है कि मैंने इसके पास भेजा एक NAD, यू नो वेरी वेल कि जब मैं NAD की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। ये वाला NAD इस पाइरूवेट से क्या ले लेता है, दो हाइड्रोजन के एटम, और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH+ + H+। आप इसे सिंपली NADH2 भी लिख सकते हो, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मेरे पास एक 2-carbon कंपाउंड। रीजन यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे कार्बन एटम थे कितने, 3, एक कार्बन यहाँ से क्या हो गया माइनस, तो जब एक कार्बन माइनस हो जाएगा तो बाकी बच जाएंगे मेरे पास 2-carbon, और वो 2-carbon कंपाउंड क्या कहलाता है, CH3COO, यू नो वेरी वेल, एसिटिक एसिड, CH3COOH इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड में से ये वाला H माइनस कर देता हूं तो उसके बाद जो चीज बाकी बचती है उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल रेडिकल। अब इस पर्टिकुलर एसिटाइल रेडिकल के साथ मैंने सल्फर ब्रिज के थ्रू, सल्फर ब्रिज मैंने इस्तेमाल किया है, सल्फर ब्रिज, और इसके साथ मैंने जोड़ देना है क्या, को एंजाइम ए, COA means को एंजाइम ए, COA, हम हमेशा कैपिटल सी स्मॉल ओ और कैपिटल ए लिखते हैं, this CO stands for coenzyme and definitely A for A, coenzyme डालेंगे। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस पर्टिकुलर एसिटाइल कोएंजाइम ए इज एट हायर एनर्जी, नाउ इट हैज द एबिलिटी टू शटल इनसाइड व्हाट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि देखें कि ये जो रिएक्शन था वो यहाँ कहीं हुआ, जरा बात को दोबारा गौर से सुने, कि ये था मेरे पास C3H4O3, इसमें से मैंने माइनस कर दी CO2, राइट, बाकी जो मेरे पास मॉलिक्यूल बचा वो क्या था, CH3COO, और फिर इसके साथ मैंने सल्फर ब्रिज के साथ क्या लगा दिया, बिल्कुल यू आर राइट, जब मैंने सल्फर ब्रिज इस्तेमाल किया तो इसके आगे मैंने अटैच कर दिया व्हाट, कोएंजाइम ए, और जो ही को एंजाइम में यहाँ पे अटैच होगा तो इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस कर सके, और क्रॉस करने के बाद अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए कहाँ आ गया, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, राइट, एंड दैट वही साइकिल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, क्रेब्स साइकिल, राइट। और इस पर्टिकुलर साइकिल के रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस होता है, यू नो वेरी वेल, इसमें से प्रोड्यूस होगी CO2 प्लस इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। और आज के लेक्चर की सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, वी वांट टू सैल्यूट दिस वेरी ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया इज डूइंग अ वेरी मार्वेलस जॉब फॉर अस, और उस मार्वेलस जॉब का नाम क्या है स्टूडेंट्स, यस, प्रोडक्शन ऑफ ATP। अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनाए तो ग्लूकोज में से जस्ट 2% एनर्जी हार्वेस्ट हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाया तो मेरे पास 2% एनर्जी रिलीज हुई बस,
तो ये जो मेरे पास ग्रेट ऑर्गेनल जैसे मैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहा हूँ, दैट वेरी ऑर्गेनल इज बेसिकली हार्वेस्टिंग फर्दर 98%। और ये जो मेरे पास 98% एनर्जी है ये किसके बराबर है सुरेश? 98% एनर्जी ये बराबर है 36 ATP मॉलिक्यूल्स के साथ। याद रखिए मेरी बात है कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स क्रैब साइकिल से नहीं बनते। क्रैब साइकिल तो ATP बनवाने का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है, और वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, वो है मेरे पास NADH2, दैट इज अ रिड्यूस्ड NAD, देन वी हैव रिड्यूस्ड FAD, राइट। और ये दोनों चीजें जो हैं ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जाहिर है 36 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल यूजलेस हो अगर ये वाला ग्रेट ऑर्गेनल हमें रिड्यूस्ड एनर्जी और रिड्यूस्ड एफडी प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो देखते हैं कि हमारा ये वाला क्रैब साइकिल किस तरीके से, किस किस प्रोसेस, किस स्टेप से गुजर के, वही बात है किन किन कहकशाओं से गुजर के अल्टीमेटली हमने क्या प्रोड्यूस करा है, 38 मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ सर्कल फॉर यू, और इस सर्कल में जाहिर है हम क्या सीखेंगे, जाहिर है क्रैब साइकिल से। वैसे तो ये सारे की सारे नेम्स और सीक्वेंस को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले इस पर्टिकुलर दायरे के ऊपर एक सेंटेंस लिखूंगा, और अगर आप वो वाला सेंटेंस अपने माइंड में रखेंगे तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को याद करने में बहुत आसानी होगी। आए हम वो नाम पहले लिखते हैं। नंबर वन इज आवर, राइट। नंबर टू इज ऑन। नंबर थ्री इज सिटी। नंबर फोर इज, नेक्स्ट इज केप्ट, KEPT, केप्ट। आर ऑल सिटी और जिसे होल सिटी, ऑल सिटी इज केप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सिक्योर, सॉरी सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर। नेक्स्ट इज फ्रॉम, और आजकल एक बहुत टर्म मूवीज वगैरह में और कार्टून में देखते हैं, दैट इज मॉन्स्टर्स। अगर आपको ये वाला सेंटेंस याद है सुनीस के, आर ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स, तो आप लोगों को इस क्रैब साइकिल को याद करने में बहुत आसानी हो सकती है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारे डियर स्टूडेंट्स ये, ठीक है, आर ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। एक रूम ऑब्वियस यूज कर सकते हैं थोड़ा सा परिवे में कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो स्मूथ है, ऑक्स को बता रहा हूँ कि जो हमारा सिटी है उसमें कोई मज नहीं है, नवासी ने सारी मजे उठा के शहर में से बाहर भेज दी, राइट। तो ये आप भी है आप इसे कैसे याद रखते हैं कि ऑक्स, All city is kept safe and secure from mud. तो ये दो भी हैं, आप दोनों वे में पंजाबी में या उर्दू में इंग्लिश में व्हाटएवर यू वांट से आप इसे याद कर सकते हैं, और अब हम इस सेंटेंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। आई एम गोइंग टू रीड इट बिकॉज़ वी हैव वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दिस सेंटेंस। सो आई एम बैक आफ्टर रिमूविंग the extra words from the first letters, the same letters, are all city is kept safe and secure from monsters, or ox city is kept constant from mugs, yes. So start karein kiske sath, number one reactant ke sath, and that very reactant is basically auxiliary acetate,
ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटेट। आपने दो बातें इस कंपाउंड के बारे में याद रखी। सबसे पहली बात कि ये लास्ट साइकिल का क्या है, आखिरी प्रोडक्ट। और ये जो लास्ट साइकिल का आखिरी प्रोडक्ट है, ये नेक्स्ट साइकिल का रिएक्टेंट बन जाएगा। तो बहुत खबर एक्सप्लेन किया आपने। साइकिल प्रोसेस में हमेशा ऐसे ही होता है कि ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये किससे बना था, लास्ट साइकिल के कंप्लीट होने से, लेकिन नेक्स्ट साइकिल इसी से स्टार्ट होगा। अब ये जो एक्सैलो एसिटेट है, इसके बारे में दूसरी बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये एक फोर कार्बन कंपाउंड, फोर कार्बन कंपाउंड। ये जो फोर कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इट इज हेयर टू वेलकम अ कंपाउंड नोन एज एसिटाइल सी ओ ए। नाम का स्टूडेंट इसका एसिटाइल सी ओ ए। अब जो ही एसिटाइल सी ओ ए, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था लास्ट कॉलम में कि जो कि एक टू कार्बन कंपाउंड है, वो यहाँ पहुंचेगा। तो ये वाला टू कार्बन कंपाउंड इस वाले फोर कार्बन कंपाउंड से मिलने के बाद क्या बनाएगा, डेफिनेटली एक सिक्स कार्बन कंपाउंड। ये याद रखना स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो मेरे पास सिक्स कार्बन कंपाउंड बना है, इसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सिट्रिक एसिड और सिंपली सिट्रेट। सिट्रेट कह लें या आप लोग इसे सिट्रिक एसिड बोल लें, दोनों बातें में कोई डिफरेंस नहीं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो सिट्रेट है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम नोन एज आइसोमेरेज। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा स्टूडेंट्स, उस एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। इस आइसोमेरेज की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप क्या होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जब एटम्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, तो उनके रीअरेंज करने से क्या बनेगा, जाहिर है उसका आइसोमर। और उसका आइसोमर का नाम है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड, इन दोनों में अगेन कोई डिफरेंस नहीं। आइसोसिट्रेट भी एक सिक्स कार्बन कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज। वैसे तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कि जहां कहीं भी हम वर्ड यूज करते हैं आइसोस का मतलब है कि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, लेकिन जो मेरे पास सिट्रेट है, ये लीनियर मॉलिक्यूल, तो इनकी आपको कॉमन सेंस है, डिफरेंस पता चल गया है। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है, इट अंडरगोज टू चेंजेस। वो टू चेंजेस मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नंबर वन ये है कि हम यहां से पहली CO2 माइनस करते हैं, इस साइकिल की पहली CO2 माइनस करते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हमारे लिंक रिएक्शन में भी हुआ था, तो मैं इसको दोबारा आपके लिए लिखना चाहता हूं। यहां पे क्या नाम था इस प्रोसेस का, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। इस डी कार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में जाहिर है सिक्स कार्बन में से एक कार्बन निकल जाएगा, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसका उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स यस यू राइट, ये फाइव कार्बन कंपाउंड बने। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है, इसके अंदर एक और चेंज भी आया, वो चेंज क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इसके अंदर भेजा किसको, एनएडी को, और एनएडी क्या बन के बाहर निकला, एनएडीएच2। मैं फिर आखिरी दफा रिवाइज कर रहा हूं कि एनएडी खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसने आइसोसिट्रेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो लिहाजा इस पूरे की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, इस पूरे की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, मैं एक ही नाम दे सकता हूँ, वो नाम मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन। और इसके रिजल्ट में हमारा सिक्स कार्बन कंपाउंड फाइव कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और इस फाइव कार्बन कंपाउंड का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, राइट।
ये 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट सेम रिएक्शन से दोबारा गुजरे, यानी कि अब यहाँ पे एक दफा फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगी, माइनस CO2 प्रोड्यूस होगा। जाहिर है जब इस 5 कार्बन कंपाउंड में से एक और CO2 निकल जाएगा तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसका नाम वो है डेफिनेटली क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। राइट, अब इस पर्टिकुलर 4 कार्बन कंपाउंड के बनने में एक और चीज भी इन्वॉल्व थी, मीन यस ऑक्सीडेशन। अब भी क्या होगा कि NADH2 में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है स्टार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वही स्टार प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, मीन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और उसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन का बॉन्ड बना जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, सक्सीनाइल। लेकिन जो सक्सीनाइल है या सक्सीनेट है ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि ये सक्सीनाइल फौरी तौर पे कोएंजाइम ए से कंबाइन हो जाता है। जाहिर है स्टूडेंट्स कि जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा तो जो कंपाउंड यहाँ क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा, डेफिनेटली सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है, चूंकि इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से हम कार्बोनाइल कोएंजाइम ए को क्लीव करके रिमूव करके एनर्जी जनरेट करेंगे और वो एनर्जी जाएगी GTP के साथ। ठीक है, जाएगी स्टूडेंट्स GTP के साथ, यू नो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसके साथ आके फॉर्म क्या मिलेगा, एक ADP और PI। राइट, जब ADP और PI इस GTP के पास आएगा तो ये वाला GTP एनर्जी किसको दे देगा, इस मॉलिक्यूल को, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक ATP का मॉलिक्यूल, 1 ATP मॉलिक्यूल। तो यहां पे फर्स्ट टाइम ATP प्रोड्यूस हो। लेकिन व्हाट विल हैपन टू दिस GTP, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा कि ये GTP दोबारा से GDP और PI में कन्वर्ट हो। ये दोबारा GTP और PI कब बनेगा, जब हम इस सक्सीनाइल कोएंजाइम में को क्लीव करें। इस पर्टिकुलर क्लीविंग के बाद जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सक्सीनेट। राइट, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में से जब मैं काट दूंगा, तोड़ दूंगा, क्लीव कर दूंगा कोएंजाइम ए को, तो जो बाकी स्टेबल कंपाउंड बचेगा इट इज अगेन अ 4 कार्बन कंपाउंड, और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, सक्सीनेट। अब इस पर्टिकुलर सक्सीनेट में और फ्यूमरेट में बेसिकली एक हाइड्रोजन के एटम का फर्क, ठीक है। सवाल ये है कि वो हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकल गया यहाँ से, तो आंसर इज ड्यू टू अ वेरी अनदर वेरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, FAD। और जाहिर है जब FAD सक्सीनेट से कंबाइन करेगा उसमें से हाइड्रोजन खुद ले लेगा, मीन ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के बाद ये बन जाएगा FADH2, और ये वाला सक्सीनेट हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट में। राइट, और अब ये जो फ्यूमरेट है ये इस पर्टिकुलर साइकिल के सेकेंड लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा, और इस पर्टिकुलर स्टेप में वी आर गोइंग टू कैरी आउट एडिशन ऑफ वाटर। एंड यू नो वेरी वेल कि जब कभी भी मैं किसी जगह पे वाटर को एड करता हूँ तो हम इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन। तो जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में हाइड्रेशन करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, तो वाटर के ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेबल का मॉलिक्यूल मैलेट। राइट, और इवेंचुअली हम इस पर्टिकुलर मैलेट की फर्दर क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। आपको ये तो बात पता है कि ये सारे के सारे प्रोसेस में बेसिकली हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है और मॉलिक्यूल्स को क्या करना जाना है, ऑक्सीडाइज। अब फाइनल ऑक्सीडेशन कब होगी, जब मैं एक और NAD को यहाँ भेजूंगा और वो वाला NAD इस मैलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और बाकी बच जाएगा मेरे पास व्हाट, NADH2, यानी कि ये हो जाएगा रिड्यूस, NADH2 हो गया रिड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद इन यू कैन से चीजों के नाम या उसका सीक्वेंस याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। यू नो ऑक्स स्टैंड फॉर ज़ैलोसिलिक एसिड, ए स्टैंड फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल
एसिटाइल तो एंजाइम ए और जैसे टेलको एंजाइम में कन्वर्ट हो गया था किसमें सिटी सिटी वो सिट्रेट इज स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट कैप्ट फॉर अल्फा की डब्ल्यू ट्रेट एंड सिक्योर फॉर सक्सिनाइल सेफ फॉर सक्सिनेट एंड फ्रॉम फॉर फ्यूबरेट एंड फ्रॉम मॉन्स्टर बीज बैलेट तो ये क्या था आपको मुश्किल नहीं है राइट अगर आप एक दफा इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो इट विल बी इन योर माइंड आई नो यू हैव गॉट फर्टाइल वेल्स अब देखना ये कि हमने इस पर्टिकुलर साइकिल से और क्या क्या डिड्यूस करना है तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स के नंबर वन कहां कहां एनएडी प्रोड्यूस हुआ ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर नंबर लगा ले फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ था तो मैं लिख यहां पे वन राइट दूसरा रिएक्शन ये हुआ तीसरा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ चौथा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ पांचवा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ सिक्स्थ वन इज दिस सेवेंथ वन इज दिस एंड एट वन इज दिस तो इस साइकिल में टोटल एट रिएक्शंस हुए हमने करना क्या है स्टूडेंट्स उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करके अपने माइंड में रखना है जो बेसिकली एनएडी को रिड्यूस कर रहे हैं तो आंसर इज रिएक्शन थ्री फोर एंड एट तो रिएक्शंस जो हो गए मेरे पास रिएक्शंस कौन कौन से थ्री फोर एंड एट ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एन ए डी एच टू यानी कि ये प्रॉपर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं फिर हमें देखना है किन दो स्टेप्स में सीओ टू माइनस हुई जिन दो स्टेप्स में सीओ टू माइनस हुई इट वॉज थ्री एंड फोर थ्री और फोर स्टेप में क्या माइनस हुई मेरे पास सीओ टू और किस रिएक्शन में एक्चुअली एटीपी प्रोड्यूस हुई तो इट वॉज रिएक्शन नंबर फाइव रिएक्शन नंबर फाइव में हमने जीटीपी प्रोड्यूस की और जीटीपी को हमने एटीपी में कन्वर्ट कर दिया था फिर एक बड़ी यूनिक चेंज जो यहाँ पर थी वो थी स्टेप नंबर सिक्स उस स्टेप नंबर सिक्स के अंदर हम लोगों ने एफ ए डी एच टू प्रोड्यूस की राइट माय डियर अब इस सारे रिएक्शन में आप लोगों ने क्या प्रोड्यूस किए टोटल नंबर ऑफ एटीपी दैट वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस हुए दैट वाज इक्वल टू 18 व्हाट इज योर असाइनमेंट कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा और आखिरी बात आपने खुद कैलकुलेट करनी वो क्या है नंबर वन कि अगर मैं एक NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालूं तो उससे तीन एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते राइट और अगर मैं एक FADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारूं तो मेरे पास 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं आपका छोटा सा काम ये हमारे स्टूडेंट्स कि आपने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल 18 कैसे प्रोड्यूस राइट इस सारी मोटिवेशन और लर्निंग के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज के बारे में होगा मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपके पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर आसानियां पैदा करें अगर ये चीज आपको पता है तो कोशिश करें कि आप और लोगों को भी बताएं इससे इल्म फैलेगा कभी कम नहीं राइट टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह